कैसे आप सब? आवाज आ रही है? कमेंट करो फटाफट से, आवाज आ रही क्या? हाँ, तो क्या हाल आप सब के? कैसे हैं आप सब मेरे दोस्त, मेरे बच्चे? चलो दीपांशु आ गया, तुम आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करना, बताओ जल्दी से, आवाज आ नहीं आ रही? फटाफट। हेलो, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक, अंजलि आवाज आ रही ना? तो हमने स्टार्ट की सीरीज ए बी सी डी वाले, हमने ए बी सी डी, आज हम ई पढ़ेंगे। और ऑडियो वाला कोई दिखे, ओके फाइन, आज हम पढ़ेंगे भाई साहब ई वाले। और एग्जाम में ई काफी इंपोर्टेंट, मतलब क्या टफ वाला पार्ट है ये। सबसे टफ हमारे एग्जाम के लिए क्या होता है? ई होता है। ए आसान है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन डी और ई, ई को अभी मान लो एग्जाम में टफ पार्ट क्या होता है? हमारा ई वाला होता है। ठीक है, इसको कैसे याद करें? सबसे ज्यादा एग्जाम में जो वर्ड पूछाते हैं वो या तो स्टार्ट किससे होते हैं मेरे भाई? ई से, या किससे होते हैं आपके? आई से, या फिर किससे होते हैं? एस और आर से। ये आपके चार अल्फाबेट वो हैं जिनसे एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्या बनते हैं, वो क्या बनती है? ई, आई, एस और आर। तो ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। ओके, सोनम प्रजापति, समझ गए मेरे बच्चे? कौन से पढ़ेंगे? मोस्ट जो एग्जाम पूछे, बार बार पूछे जाने वाले वर्ड पढ़ेंगे। पहली बात ये, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे और जुगाड़ से, ट्रिक से पढ़ेंगे। वो क्या में दिक्कत क्या, भूल जाते हैं वो क्या में दिक्कत क्या होती है? केडी, भूलना। हम कैसे पढ़ेंगे? आप भूल नहीं पाओगे उसको। ठीक है, तो ये आपका पहला वर्ड, इसका से क्या बनेगा? चलो फास्ट स्टार्ट करते कहानी को। लो जी, इसका क्या बनेगा? फास्ट बताओ फटाफट। यप 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 यप। तो बताओ कि अनिग्मा का मतलब क्या बनेगा, ये बताना आपको बस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनिग्मा? ठीक है, चलो बताओ। ई एन आई जी एम, इससे पे क्लास को लाइक कर दो मेरे भाई, शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे लगा लो स्टेटस अपने। लाइक और शेयर करना तो आपका बनता ही है, बाकी चाहे तुम कुछ करो या ना करो। ठीक है, चलो चेक करके, मतलब क्या होता है अनिग्मा? सिंपल है अनिग्मा, इसको पढ़े नगमा। और नगमा की आंखें कैसी है? काफी खूबसूरत है। कैसी आंखें? इसका मतलब शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और जो लड़कियां क्या होती हैं? खूबसूरत वो आंखों से होती हैं। उन आंखों में क्या होती हैं? पहेलियां। बोलो हाँ है ना, समझ गए? इसका आंसर क्या बन गया मेरे भाई? अब सारे एग्जाम के, ये एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम में आने वाले हैं, जुगाड़ से पढ़ेंगे। तो इसकी ट्रिक हमारी क्या बनेगी? अनिल बोलो सर नगमा। और नगमा का मतलब क्या होता है? आपके एक्टर से भाई बहुत खूबसूरत होती है, अभी भी है। तो इसकी आंखें कैसी का मतलब मिस्टीरियस, इसकी आंखों में पहेली है, जादू है, रहस्य है, नहीं तेरी आंखों में कुछ छुपा हुआ है। इसकी आंखें काफ़ी, कैसी आंखें हैं इसकी? इसकी आंखें हैं वो नहीं, तो जादू वाली आंखें हैं, मैजिकल आंखें इसकी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी आंखों में देखो बंदा खो जाएगा, बंदा वैसे कुछ भूल जाए कि क्या दुनिया है, क्या मैं हूँ। मतलब आंखों में मतलब आंखें ऐसे देखी, आंखें ऐसे मिल के बंदा खो गया। खो जाना होता है ये, बह जाना, कन्फ्यूज जाना, मतलब बह गया भाई, खो गए ना आंखों में। रिडल क्या? पहेली। तेरी आंखें पहेली हैं, बन गया से हमारा। कौन ड्रम? अब रात को ड्रम कौन बजाए, यही तो हमारी कंफ्यूजन है, यहां से बन गया हमारा इसका। फटी पजल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन होता है हमारा। एट सी का मतलब देखो, दोबारा घूम फिर के वही वो कब आपके एग्जाम है, एट सी मिलेगा आपको, एट लॉस हो गया आपका। तो घुमा फिरा के आपकी वही तो वो कब हमारे एग्जाम में। कन्फ्यूज हमारा कैसा वर्ड है मेरे भाई? जो लाइफ का है तभी आपके एग्जाम में आता है बार बार, इसको याद कर लो। अनिग्मा, एट सी, एट ए लॉस, एट वन विट्स एंड बिविल्डर, कॉन्ड्रम, कन्फ्यूजन, पजल, मिस्टीरियस, मेज, रिडल, सबका मतलब क्या होता है आपका? कन्फ्यूजन। बोलो हाँ है ना, समझ गए? ईजी है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट। इसका मतलब क्या बनेगा? इनरवेट का मतलब क्या होता है? एग्जाम में आए और बार बार आए, ट्रिक से पढ़ेंगे इसको हम। सिम में क्या हाल चाल है आपका? सेम प्रोफाइल बना ली भाई साहब, इंडिया में लोग बड़े कलाकार हैं, कुछ भी सेम कर लेते हैं, छोड़ो इनको आप। रिद्धि का आंसर ए आ चुका है, देखो सिंपल बात हो। तो ट्रिक क्या है? देखो सिंपल सी दो बातें हैं, अगर बिना जुगाड़ के पढ़ो तो भूल जाओगे, और जुगाड़ से पढ़ो तो भूल नहीं पाओगे। ट्रिक हमारी क्या बनी इसकी? और सर अंडरवेट क्या बन गई भाई? अंडरवेट बन गई। अब कोई बंदा का वेट कम है, अंडरवेट है, मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो बंदा हेल्दी नहीं है। तुम्हारा वेट मान लो, तुम्हारा वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग 70 kg, और तुम्हारा वेट कितना है? 50, मतलब आप अंडरवेट, मतलब कि आपके अंदर वो एनर्जी है ही नहीं, आप कमजोर हो।
इसका मतलब क्या बनेगा, कमजोर वीक बनेगा, इसका आंसर भाई दैट इज ये बनेगा फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है, कमजोर, फीबल क्या होता है, कमजोर। अब ये एग्जाम में वो वर्ड जो बार बार आते हैं, फ्लिमजी, एफ एल आई एम एस वाई, इन तीनों का मतलब क्या होता है, कमजोर है, वीक है। तो ट्रिक क्या बनी हमारी, फिल्मजी फिल्में क्या होती हैं, कमजोर, झूठी होती हैं, हीरो भाई से मरता ही नहीं कभी, है कि नहीं। तो फिल्में सारी क्या होती हैं हमारी, क्या होती हैं, वीक होती हैं। ओके सर। फीबल वो बल के बयान क्या नहीं, बल नहीं, और फीबल क्या नहीं है, बल नहीं है, पावर नहीं है। फ्रेल, अब इंडियन रेलवे क्या चल रही है, घाटे में चल रही है भाई काफी सालों से, हालत कैसी, काफी नाजुक है, कमजोर है, बोलो हाँ है ना, समझ गए भाई को, अरे बोलो हाँ है ना। तो मुझे बताओ कमजोर कैसा वर्ड होता है, लाइफ में आता नहीं आता कि तू बड़ा कमजोर है, तेरा दिमाग बड़ा कमजोर है, तेरी बातें बड़ी कमजोर, तेरी फैमिली बड़ी कमजोर है मेरे भाई, तेरी पढ़ाई बड़ी कमजोर है कि नहीं, मेरी हालत बड़ी कमजोर है, इसलिए एग्जाम में आता हमारे। ट्रिक हमारी क्या बनेगी, फिल्मजी फिल्में क्या होती हैं, झूठी, कुछ कुछ दिखाते हैं लोग। फीबल, बल नहीं है, कमजोर है। फ्रेल, रेलवे क्या इंडिया का, कमजोर है मेरे भाई, घाटे में चल रहा है स्टार्टिंग से ही। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, ताकतवर, और माइटी का मतलब क्या होता है, पावरफुल। ट्रिक क्या बोली, माइट, सुना आपने, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा मेरे भाई उसी के पास सब कुछ, प्यार भी उसी को मिलेगा, पैसा उसको मिलेगा, मतलब जिसके पावर होने जाके पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो माइटी मतलब क्या होता है, पावरफुल। और देखो पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल। ट्रिक क्या बनी, पोट को कौन उठा ले, आंट मत चिट्टी, अब चिट्टी उठाएगी भाई साहब, पोट मतलब बर्तन, मतलब चिट्टी क्या होती है, पावरफुल होती है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, पावरफुल, ये सारे मतलब हमारे क्या हो, कमजोर। एग्जाम में क्यों आते हैं वर्ड ये, सर कैसे वर्ड है, पावरफुल वर्ड क्या होता है आपका एग्जाम में, लाइफ में आता है, लाइफ में आता है। अब आता है आपका एग्जैगरेट का मतलब क्या होगा, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये आंटियां करती है कि तेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ने ये किया, तेरी बहू ने ये नहीं किया, तो ये क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोलहिल, बोलो आसान है कि नहीं, इजी। नेक्स्ट इसका क्या बनेगा, चलो भाई इमोलियंट, आसान ये भी, इमो इनो, सही है, चलो इसका से क्या बनेगा, फटाफट जल्दी से फास्ट सर, सिंपल, देखो वो कैब को ऐसे पढ़ो, वो कैब में दिक्कत क्या आती है, बच्चों भूल जाते हैं बच्चे, सर कितनी पढ़े, कैसे पढ़े, भूल रहे हैं, और एग्जाम में आपके 70% वो कैब ही आ रही है, जिसकी वो कैब में दम है ना मेरे भाई, वो इंग्लिश को उड़ा देगा, मेन पार्ट आपका वो कैब है। इसकी ट्रिक हमारी क्या बनी, इमो का मतलब क्या होता है, इमो साउंड्स लाइक इनो, और इनो मतलब पता होगा 6 सेकंड में आराम स्टार्ट, मतलब रिलैक्स करना, एले एले मोलिफाइंग, सूदिंग करना। चलो चेक करते हैं इसका क्या, देखो मोलिफाई, मूली खाई, मूली खाए से हमारी बॉडी क्या होगी, रिलैक्स होगी, इसका आंसर ए बनेगा, आंसर बोलो। और क्या था, अले 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 क्या हो जाओ भाई, रिलैक्स हो जाओ मेरा चाहे, एलिवेट, सब कुछ खाने के बाद बंदा हमारा क्या हो जाएगा, बोलो रिलैक्स, सूदिंग, सो जाओ भाई, आराम करो, रेस्ट कर लो, बोलो हाँ है ना, आसान है। आगे बढ़ते हैं, हाइपर होना मतलब क्या होता है, गुस्से में होना, नहीं बनेगा आपका। अनोई क्या होना, नाराज होना, वट इज इबुलेंट, इसका होता क्या बनेगा, ईबू, ई बी यू डबल एल आई ई एन टी, इसका आंसर क्या बनेगा, साक्षी है, हिवा है, अस्सलाम वालेकुम, कनिष्का, फ्लेमिंग, सोनम प्रजापति, दीक्षा, घनसा मौर्या, चलो इसका आंसर क्या बनेगा, सिंपल से, तो ईबू लियन मतलब क्या, जुबिलियंट, इबुलियंट, वट इज जुबिलियंट, जुबली कब बनाते हैं, 25 ईयर होने की खुशी में, क्या होता है आपका, हैप्पी, मैरी, मिर्थ, जोकंड, जोली, खत्म। इसके बाद आपका एवेस ड्रॉप, पर इसका मतलब क्या बनेगा, कौन बताएगा फास्ट, बात में समझ पाए क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, टिंडर पे, क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहो, ठीक है, आपकी अपनी क्लास है ये, पढ़ाई भी कर लो और थोड़ा धर्म भी कमा लो। चलो इसका आंसर क्या बनेगा, शिवम मलिक का डी है, दीपांशु इंग्लिश बाबा, अरे ठीक है आंसर बताओ एक दो को भाई। तो ये क्या होता है, किसी की चुपके चुपके बात सुनना, क्या होता है ये, सीक्रेट लिसन सीक्रेटली, चुपके चुपके बात सुनना, इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, लिसन ही बनेगा, सिर्फ सुनना होता है ये। तो हियर क्या होता है, सुनाई पढ़ना, लिसन क्या होता है, ध्यान से सुनना, और ये क्या होता है, चुपके चुपके सुनना, इसका सी आंसर बनेगा, ऑल ऑफ देम नहीं बनेगा इसका आंसर, नहीं डी नहीं सी बनेगा भाई। हियर का मतलब क्या होता है, सुनाई पड़े, कुछ बोल रहा, हाँ सुनाई दे रहा है। लिसन क्या होता है, सुनना ध्यान से,
और ये क्या होता है, चोरी चोरी सुनना, चुपके चुपके सुनना। क्लियर? अलावत साहब क्या हाल है, इसका बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोटेरिक, कौन बताएगा? सेम बैकग्राउंड से हूँ सर, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास सर। अरे भाई सब लगवा देंगे पहले, एक बार थोड़ा रिदम बनने दो, सब स्टार्ट करेंगे, डोंट वेरी, ओके, चिंता मत करो मेरे भाई, कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हर एग्जाम के लिए, बढ़िया वाली विद कंटेंट, दमदार मॉक टेस्ट, दमदार कंटेंट साथ। डीआईएस का अंतरिक्षा ऑनलाइन क्लासेस सिंपल दो, एसो ट्रिक, ऐसी ट्रिक, ट्रिक का मतलब क्या होता है, सबके पास ना हो, अपनी वो कैब की ट्रिक है, सबके पास नहीं भाई, जुगाड़ अपना देसी वाला, ये सबके पास तो है ही नहीं है, तो ये जुगाड़ होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रिक है मेरे पास जो किसी के पास है ही नहीं, मतलब ये प्राइवेट है, ये बस सीक्रेट है, गुप्त है। क्या बन गया इसका, ऐसी ट्रिक, ट्रिक्स कैसे पढ़ो इसको, ऐसी ट्रिक, ऐसी ट्रिक है मेरे पास जो किसी के पास है ही, मतलब चीज क्या हमारी बहुत सीक्रेट है भाई, प्राइवेट है, सबके पास ये है ही नहीं, इसका क्या हमारा ए बोले तो प्राइवेट, सीक्रेट सिर्फ मेरे पास हो, किसी के पास नहीं है। क्लियर? बन गया इसका आंसर, ए बनेगा। पब्लिक से क्या बनेगा, अप उल्टा बनेगा, इसी का तुमसे क्या पूछे, अपोजिट तो बनेगा इसका बी, पब्लिक, कॉमन सबको पता होती है, नहीं बनेगा। और फंबल का मतलब क्या होगा, अगर आप देखते हो क्रिकेट मैच, तो मेरे भाई क्रिकेट मैच में ये बात बार बार बोली जाती है, बताओ क्या इसका आंसर बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंबल, कौन बताएगा, फंबल क्या होता है, व्हाट इज फंबलिंग। मान लो फील्डिंग कर रहे हो आप लोग, आपने फील्डिंग करी, अगर बॉल आई आपसे, बॉल आपसे छिटक गई, क्या बोलता कम्युनिटर, फंबल हो गया, मतलब मिस फील्ड होना, कोई चीज ढंग से ना कर पाना, वो क्या होता हमारा फंबलिंग, फंबल हो जाना, गड़बड़ हो जाना, आसान बच्चे। तो ये किस में आता हमारा, मैच में आता है सब, लाइफ तो इंग्लिश के फायदे लाइफ में आएगा, एग्जाम में आएगा, जॉब लगने के बाद भी आएगा, शादी में काम आएगा, शादी के लिए काम आएगा। नेक्स्ट ये बताओ, एक्सोरसिज्म, आसान वर्ड है, ये होता है भूतनी निकालना किसी शरीर से, भूतिया। चलो फटाफट से उसका क्या होगा बच्चे, सिंपल से भूत निकालना भाई। अब ये फिल्म होता है, हर फिल्म में क्या होता है, एक होती है भाई साहब लड़की कमाल की, उसको उसमें आता भूत आता है, एक है कि नहीं, उस भूत को निकालते हैं लोग लास्ट में, ये हर फिल्म में होता हमारा, बोलो हाँ है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, देखो एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, एग्जिट करना, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, बोलो हाँ है ना। एंडो मतलब एंडोथर्मिक और एक्सो, एक्सो बाहर निकालना, तो ये क्या होता है, किसी शरीर से किसी बुरी आत्मा को बाहर निकालना क्या होता हमारा, एक्सोरसिज्म का बना ये आंसर, वन हु ड्राइव्स आउट इविल स्पिरिट्स, होता ना भाई अपने गांव में, नहीं होते मिर्च खिला दी, गरम चिमटा लगा दिया, है कि नहीं, थप्पड़ मार दिए, वो सब क्या होते हैं, ये इनका मतलब क्या होता है, भूत निकालना, भूत भगा बाबा जी, ये वही होते हमारे। व्हाट इज हैरी डन, क्या होता है, बोलो डन, हैरी डन का मतलब डाइन, जिसके पैर उल्टे वो क्या होता है हमारा, हैरी डन, चुड़ैल। अब बताओ सर, एग्जाम लाइफ में आएगा भाई, एग्जाम छोड़ दो आप, अगर तुम्हें किसी को क्या बोलो, तो चुड़ैल है वो लड़की है, तुम्हारी बात नहीं मान रही है, तो उसे बात नहीं करो, क्या बोलो उसको तुम, यू आर ए हैरी डन, तो चुड़ैल है भाई, बस खत्म कहानी, विच भी क्या होती है हमारी, चुड़ैल। तो तुम्हारे लाइफ में काम आएंगे बातें, ये हितेश मेरे भाई, कोई लड़की तुमसे बात ना करे, तुम्हें भावना क्या बोलोगे, यू आर ए हैरी डन, चुड़ैल है तू, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या, व्हाट इज इसका क्या होता है, सायरन क्या होता है, बताओ इसका, बताएगी चंचल। ओ बाबा जी इतने सारे मैसेज मत भेज, तुम भाई जमा एक मैसेज भेज दो, मैंने पढ़ लिया, बात खत्म, ठीक है। चलो सांस क्या बनेगा फटाफट, कौन बताएगा जल्दी से, व्हाट इज सायरन। सबसे इस दुनिया में सबसे खतरनाक लड़की कौन होती है, वो क्या होती है हमारी, सायरन। कौन है सायरन, अलार्म तो है ही, ये भाई साहब ये सबसे बड़ी खतरनाक है, ये वो होती जो पहले लड़कों को फंसाती है, ये लड़की वो है जो पहले आपको फंसाएगी, फिर आपको जान से मार देगी, मतलब चुड़ैल से खतरनाक है भाई ये। ये दिखने में चुड़ैल, ये दिखने में क्या होती है, काफी खूबसूरत, पहले आपको फंसाती है, फिर आपको जान से मार देती है, क्या कहलाती है, सायरन, बोलो हाँ ना, समझ गए, यस, हु फ्लर्ट्स एंड किल्स, जान से पहले फंसाएगी, आपको जान से मारेगी। स्पाउस, इसका क्या बनेगा, बोलो फटाफट से, दो होते हैं, सी
नंबर सेवन में क्या आंसर बनेगा बच्चे, कौन बताएगा इसका? दीक्षा का बी है, सी है, मैरी है, सी है, मैरी है, सी सी सी, नहीं इसका सी और मैरी अलग है ना। एनीबडी? मैरी मैरी, बी आएगा इसका। ये होता है आपका लाइफ पार्टनर, कौन होता है? लाइफ पार्टनर है ना, आप साथी होता है आपका, हस्बैंड या वाइफ, इसका मतलब बी बनेगा मैरी। डाइवोर्स का मतलब क्या होता है? अलग होना। ईव का मतलब क्या होता है? घटना। रिड्यूस का होना, डिविडल, कम होना भाई, घट जाना। एक्स्ट्रा पेट, देखो ट्रिक क्या बनी, बोलो एक्स्ट्रा पेट, जिसके बंदे के एक्स्ट्रा पेट है। अगर तुम्हारे पेट एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं दो पेट हो, पेट एक ही हो लेकिन एक्स्ट्रा मतलब पेट ज्यादा, आपके लोग क्या बोलते हैं इसको, कम कर लो भाई, है कि नहीं? रिड्यूस करना, एक्स्ट्रा पेट है, रिड्यूस करो, कम करो, डिक्रीज करो इसको, तो कम करना होता है, ये याद रहेगा। अरे बोलो हाँ है ना, आसान है नहीं मेरे भाई। अगर पेट आप मतलब आपके ऐसे पेट है, लोग क्या बोलते हैं भाई, कम कर ले इस पेट को, एक्स्ट्रा पेट को रिड्यूस कर ले, कम कर ले, हो गया। तो ये दोनों क्या होते हैं? कम करना, कम करना, शादी करना, और ये क्या होता भाई साहब? अलग होना। सेट है मामला, आगे बढ़े। चलो नंबर एट, इसका बताओ क्या बने? एग्जीगेंट, ई एक्स आई जी ई एन टी, कमाल का वर्ड है ये। क्लास चल रही है चार दिन से, हमने पहले किए थे ए वाले, फिर हमने किए बी स्टार्ट होने वाले, फिर सी से किए, फिर डी, आज हम कर रहे हैं ई से। तो जिसने क्लास ना, सारी क्लास ले लो मेरे भाई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी सब क्लासेस की, 8800663157 पे, यहाँ वो पीडीएफ मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी, पढ़ लो, लाइफ में काम आई बातें। चलो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑल बनेगा। तो सिंपल सी बात है, एक्स का मत तुम्हारी एक्स है भाई, जन लोग, जन जन, अरे जन भाई क्या होता है, लोग होते हैं। तो तुम्हारी एक्स तुम्हारे लिए क्या होनी चाहिए बताओ? अर्जेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तुम्हारी एक्स है भाई, एक्स मतलब पहले वाली, तो वो आपके लिए क्या होनी चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका बन गया अर्जेंट। ओके सर, बट क्या होता है, ये क्या होता है, क्रिटिकल, मतलब काफी अर्जेंट है भाई, अभी चाहिए हमें अपनी एक्स को। तो जब ये दोनों सेम है ना, आपका आंसर ऑल ऑफ देम है, तो आपको डी पे जाना पड़ेगा। आपको एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको एक पिक करना है, एक पिक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कहानी क्या आपकी, ये दोनों सेम होगी तो आपको डी बनेगा। डायग्राम क्या होता है, भयानक होता है, एक्स वैसे क्या होती है, भयानक होती है लेकिन काम भी आती है हमारी लाइफ में, ठीक है? इसका डी बनेगा भाई, काफी अर्जेंट है, जरूरी है, हमें चाहिए वो। नेक्स्ट, ये हम पहले कर चुके हैं, इसका मतलब कौन बताएगा? इओलॉजी। देखो इसका फायदा क्या, एग्जाम के पैटर्न पढ़ने का, आप ऑप्शन के साथ खेल सकते हो, है ना, कि कैसे एलिमिनेट करें, कैसे इनको हम अलग विंडो सेंस निकालें, नेगेटिव वाइज पॉजिटिव की। चलो आंसर तो क्या हमारे इसका, अपलोड, क्या बात रही दी, अलावत का डी है, कंडेम, कंडेम करना क्या होता है, आलोचना करना होता है। हरे कृष्णा का ए है, प्रेज है स्नेहा, स्नेहा सिंह ए है, मिक्की का भी ए है, सिंपल। जो नहीं बोलते इओलॉजी, ए जी ओ जी लोजी, बार बार जी लगाए, मतलब आपकी रेस्पेक्ट उसके दिल में भाई, बिना जी को ना बोले आपसे, तो ये क्या होता है, आपकी रेस्पेक्ट है, तारीफ करती है आपसे, प्यार करती है लड़की वो, तो ये क्या होता है, तारीफ करना, बोलो एक्सटोल, एक्स्ट्रा टोल है बंदा, तारीफ होती है। अपलोम, लंबे इंसान की तारीफ होती है बच्चे। प्लोडिट, अगर तुम्हारे पास ओडी है तो ओडी वाले बंदे क्या होते हैं, मेरे साथ तारीफ होती है, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना, कुडोस, तारीफ करना, प्रेज करना, एडमायर करना। लाड़ लड़ाना, लाड़ मतलब क्या, प्यार करना, तारीफ का आंसर ए बनेगा हमारा, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। लेकिन कोई तुम्हें क्या दे, 20 मिर्च खाने को दे, 20 मिर्च खाने को देगा वो, तो तुम्हारी क्या है, वो तो आलोचना आपकी। अगर तुम्हें कोई 20 मिर्च खिलाए, आप क्या उस बंदे की करोगे, आलोचना, बोलो हाँ ना मेरे बच्चे, ठीक है? अरे क्लास फ्री में, ये यूट्यूब पे कहेंगे पे पैसे लगते हैं भाई, फ्री में पढ़ लो, आराम से काम आएगा लाइफ में, आपके एग्जाम में काम आएगा, लाइफ छोड़ो आप। सिलेंडर घर में हमारे क्या होता है, सिलेंडर घर में हमारे भाई सिलेंडर है, उसके बढ़ गए प्राइस, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया सरकार की आलोचना करना, बोलो हाँ या ना, आलोचना। आगे बढ़ते हैं, कंडेम, तुमने मुझे कंडेम माल बेच दिया तो मैं तुम्हारे क्या करूंगा, आलोचना करूंगा, आसान है कि नहीं है। कास्टिगेट, अगर तुम कास्ट की बातें करोगे कि मेरी ये कास्ट है, तेरी ये कास्ट है, तुम्हारी क्या हो जाएगी, आलोचना, क्लियर बच्चा? डिप्लोर, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। आगे बढ़े, नेक्स्ट, चलो इसका आंसर क्या बनेगा, ई फीट, ये तो आसान, ये बोलती है सासू अपने बहू को, मेरे बेटी मेरा सब पैर दुख रहे हैं आज, मेरे लिए चाय बना के ला फटाफट से।
क्या बनेगा इसका आंसर? फास्ट, जल्दी, आसान बच्चे ये। टायर्ड, चंचल यादव नाम बड़ा प्यारा है। वो ई फीट, ट्रिक क्या बनी? ई मेरे फीट, नहीं बोलते आज बहुत काम किया मैंने, मेरे पैरों में दर्द है, ई मेरे फीट दर्द कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? बंदा थक चुका है, टायर्ड, उसके पैर पैर दर्द तो कब होते हैं? बहुत काम कर ले बंदा, अरे पैर में दर्द कब होते हैं? मतलब वो काम कर ले, बहुत सारा काम किया है तो मेरे पैरों में दर्द है, मतलब बंदा थक चुका है, टायर्ड है। इसका बन गया हमारा आंसर ए वाला, बोलो हाँ है ना, खत्म है, बोलो फैटिग। तो किसी बंदे कब फटती है भाई कपड़े वपड़े? जब बंदा बहुत काम कर ले, एग्जॉस्टेड, टेडियस। कोई बंदा टेढ़ा टेढ़ा कब चलेगा? जब एनर्जी ना हो, थक जाए। तो ये सारे मार क्या होते हैं? थके ले, टायर्ड बंदा है। इसको उल्टा मार क्या बनेगा? ये वाला, ये क्या होता है आपका? निम्बल, एक्टिव, जोशीला, नींबू का पानी पियोगे, नींबू में क्या विटामिन सी, सी में क्या होती है? एनर्जी, फुर्तीला बंदा है। इसका कैसे बनेगा? तो इसका ट्रिक क्या बनेगा इसकी? ट्रिक क्या होता है आपका? एंथुसियाज्म, बोलो एंथम। अब नेशनल एंथम सुनने के बाद हमारे रोंगटे क्या होते हैं? खड़े होते हैं, गूज़बम्प्स, बोला मतलब अंदर एनर्जी आती है, आती नहीं आती भाई। तो ये क्या होता है हमारा? एनर्जेटिक होता है। व्हाट इज ईरियम का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस, पजल, अनिग्मा, समझ गए? हाँ बोलो हाँ है ना भाई, है ही। मेरे ख्याल सब बच्चों के क्या आता होगा, मतलब जब सुनते हैं हम एंथम, ये रोंगटे खड़े होते हैं, फीलिंग आते हैं, मतलब अजीब सी फीलिंग आती है हमें, एनर्जी आती बॉडी में, वहाँ नहीं बचिए आपके। व्हाट इज एलिट i20? गाड़ी आपकी है एलिट i20, इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? एलिट i20, अरे इनको आप देखो, लोग सब लोग हर टाइप के होते हैं। आप सिर्फ किस पे काम करो? फोकस करो पढ़ाई पे। लोग आएंगे अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करते हो, ठीक है ना? सोना प्रजापति क्या लोगों को इग्नोर करो भाई, दुनिया ऐसे ही करते हैं सब, बाहर भी ऐसी पूरी दुनिया है, यहाँ भी लोग बाहर भी लोग ऐसे मिलेंगे आपको, अपने काम फोकस रखो बस आप। व्हाट इज एलिट? एलिट i20, एंडेवर का मतलब सहना होती गाड़ी आपकी। व्हाट इज एंड मतलब क्या होता है? सहना, बहुत गाड़ी बड़ी पावरफुल है भाई। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? तेज, फास्ट है। ये आपका बर्ड होता है, पक्षी होता है, एक बहुत फास्ट गाड़ी है। स्कोर भी मतलब क्या होता है? बिच्छू होता है, बड़ा मतलब उसके अंदर काफी अच्छे क्या होता है, घुमावदार होता है बंदा वो। और इसका क्या बनेगा? ये सबसे बढ़िया, इसका बनेगा सबसे बढ़िया, अपने फील्ड में सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी? हमारी एलिट i20 भाई, बोलो हाँ है ना, ठीक है ओके। अडला क्या हाल है तेरे? हला डाला आए मेरे बाद, क्या बच्चे कैसे हो हमारे बात? तो जिसके पास गाड़ी कौन सी है? एलिट i20 हैचबैक में सबसे बढ़िया गाड़ी है, उसका नाम क्या? एलिट है। आपका गाड़ी है तो स्कॉर्पियो, बेलेनो, फॉर्चुनर, सबका मतलब होता है आपका, ठीक है? जैन, स्टीम, बेलेनो, हर एक का मतलब होता है। आगे बढ़े, इसमें क्या बने? एपिटोम क्या होता है बताओ? बड़े तो कहा था भाई, काफी दिन बाद क्लास में आया तू, छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ाई करता है नहीं क्या तू आजकल? चलो इसका आंसर क्या बनेगा? फास्ट, एपिटोम। जो मैंने बोला ताजमहल, ताजमहल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एपिटोम क्या होता है? एग्जाम्पल होता है भाई, ताजमहल प्यार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अपनी प्रेमिका ने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बना, छोटी बात है क्या? वाइफ के लिए बनाया, वैसे गर्लफ्रेंड के लिए बनाया तो बंदा, वाइफ के लिए बनाया, प्यार था, इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल। अब तो लाइफ बुक, इंग्लिश लाइफ में कैसे आती है? हम चप्पल पहनते, कौन सी? पैरागॉन चप्पल पहनते आप लोग, चप्पल आते हैं हमारी रिलैक्सो, पैरागॉन, एलिट है ना, साक्षी। तो ये चप्पल लोग पहनते हैं भाई, पैरागॉन चप्पल पहन, इसका मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया चप्पल। इसके लोग मिसाल एग्जाम्पल देंगे कि चप्पल कैसी पहनो, पैरागॉन वाली चप्पल पहनो, बड़े चप्पल, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, बोलो हाँ है ना। आप में से कौन को बच्चा चप्पल पहनता है पैरागॉन की? बना फटाफट हम जब करना भाई, सर मेरे पास चप्पल है पैरागॉन की, पहनते हो पैरागॉन चप्पल? टीवी में ऐड आती है पैरागॉन, ब्रह्मा, बामास, रिलैक्सो, आते ना ऐड है ना, हेलो। तो मतलब क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल। आगे बढ़ते, प्यार करना भाई साहब, ऑर्डर देना, कमांड देना, आगे चलते हैं। इसका बताओ क्या होता है? एक्सपीडियट, चलो फास्ट। इसका मतलब क्या होता है? ई एक्स पी ई डी आई टी ई, हम्म,
बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, कौन बताएगा? ए स्पीड अप करना, ए है इसका भी, ए है भाई सब, मोहित का भी ए है, दीक्षा का भी ए है, फोटोग्राफर ए है, हिबा का आंसर, सबका ही आंसर, क्या बात है। याद कैसे इसको, सिंपल से याद, जो तुम्हारी एक्स है ना वो काफी तेज थी तभी तुम्हारी एक्स है, तो छोड़ दिया उसमें तुम्हें, क्योंकि उसको पता है भाई तुम डफ हो, तुम कुछ है, तुम्हारे कुछ है ही नहीं, तो जो तुम्हारी एक्स थी वो बहुत क्या थी, तेज थी, तभी उन्होंने तुझे छोड़ दिया कि तुम भागो यहाँ से। इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, स्पीड अप, स्पीड बढ़ाना, स्लो नहीं बनेगा तो बकवास है। नेक्स्ट इसका बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा, जानते हो कौन बंदा है, इसका नाम क्या बनेगा बताओ, नाम कैसे बंदे का पता किसी को? अरे दी 500 को बोल भाई, थोड़ा कंट्रोल करे, ये पता क्या क्या बोल रहा है, को लड़के आप पकड़ के पीट देंगे इसको यहीं पे। क्या आंसर था इसका, कौन बताएगा? अभिनंदन है ये, पता कौन है? अभिनंदन, सिंपल सी बात है। तो जब इंडिया ने क्या की थी बालाकोट पे, जब बालाकोट पे इंडिया ने क्या की थी मेरे भाई, एयर स्ट्राइक की थी, बोलो हाँ कि नहीं, की थी। नेक्स्ट डे पाकिस्तान वाले बंदे आए थे क्या लेके, F-16, अपने पास क्या था, MiG-21, क्या था भाई, MiG-21 बाइसन था, इन्होंने एक गिरा दिया, दूसरे में ये बंदा पाकिस्तान पहुंच गया था। तो क्या हुआ था भाई कि मोदी ने बोला एक दिन में बंदा छोड़ दो, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा था किसने, इमरान खान ने, उस टाइम पे पीएम कौन थे पाकिस्तान के, इमरान खान, उन्होंने क्या कहा था मेरे भाई कि हम अमन के लिए, किसके लिए, अमन के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, सुख शांति के लिए हम अभिनंदन को छोड़ रहे, भारत को दे रहे। आपको पता ये बात सच्ची बात है भाई, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कही थी इमरान खान ने कि हम अमन के लिए इस बंदे को छोड़ रहे हैं, बोलो हाँ। इसका मतलब क्या होता है, रिलीज करना, मेक फ्री, इसका आंसर ए बन गया। किसके लिए, इसको आदत क्या था, अमन, उसका वर्ड था ये अमन के लिए, मुस्लिम वर्ड है, मतलब उर्दू वाला वर्ड है, अमन, सुख शांति चाहे उसका मतलब, समझे भाई, सीज मतलब पकड़ना होता है, पकड़ना होता है, ये गलती होती है, इसका आंसर ए बनेगा, रिलीज करना, फ्री करना। ओके सच्ची बात आपकी है। इसका नाम क्या हमारा, कौन था ये कैप्टन, कैप्टन था कौन था ये, अभिनंदन कौन था ये, कैप्टन था ये, अरे इसकी पोस्ट क्या थी भाई, इसकी क्या पोस्ट बताना फटाफट से, इसकी पोस्ट क्या थी बंदे की, अभिनंदन वर्धमान, इसकी पोस्ट क्या थी, क्या था एयरफोर्स में, ये पायलट तो, अरे पायलट की पोस्ट होती है भाई एक, अमन, अमन मतलब क्या होता है, अमन मतलब शांति होती है, पीस होता है भाई, ठीक है चेक, क्या था ना, आगे बढ़ते हैं। इरेंट क्या होता है, EERENT बताओ, इरेंट आसान है, ये भी ईजी है, इसको आप भाई सब कर सकते हो फटाफट से, लाइक एंड शेयर दबा के। देखो जो बंदा रेंट पे रहेगा मतलब क्या है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मुंबई कभी गोवा कभी डर, मतलब रेंट पे कौन है जिसको मतलब फिक्स नहीं है भाई, यहीं रहना पूरे साल, तो घर ही ले लेगा अपने लिए, तो रेंट पे कौन है जो स्टेबल नहीं है, वो रेंट पे रहेगा, ताकि घूमने फिर, मतलब आज यहाँ जॉब है, कल यहाँ जॉब है, फिर वहाँ जॉब, इसका मतलब क्या होता है घुमक्कड़, इसका मतलब क्या बनेगा हमारा, वेंडरिंग, ठीक है। रेंट, रेंट पे रहेगा वो जो यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ जाएगा, स्टेबल नहीं है, इसको उल्टा बनेगा भाई। अब ऑर्डरली, इसका अच्छा ये रेंट का मतलब क्या होता है, ई वाला है, टी वाला और डी वाला, दोनों में डिफरेंस क्या, कौन बताएगा फास्ट? प्रिया कपूर। सर शांति को आप जानते हो? नहीं शांति को मैं नहीं जानता, शांति मेरी दादी थी वैसे, अब नहीं है, शांति नाम था उनका। राहुल हेलो प्रिया, भाई साहब लड़के तो बस लड़कियों से बात करने चक्कर में रहते हैं वो, ठीक है, लेकिन देखो तुम पहले अपने आप में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर लो अपने आप, कि मैं, मेरे पास ये टैलेंट है वो चीज़ है, तो बड़े खुद बात करेंगी, किसी के पीछे पड़ के भाई साहब बात नहीं बनती है, अपने पीछे लाइन लगवाओ तब बात बनेगी, है ना मेरा भाई राहुल। चलो प्रिया कपूर पंजाब से, अरे मैं जानता हूँ मैं राहुल, तेरी फोटो में पहचान ली मैंने। आंसर क्या है इसका, ये वाला देखो, ये इरेंट ये होता है, पता तो कौन है, ये होते हैं बट डिलीवरी बॉय, सामान एक डोर पे दिया, एक घर पे दिया, फिर वहां पे दिया, ये मतलब जोमेटो वाले स्विगी वाले वो होते हैं, मतलब सामान को क्या करने वाले, डिलीवर करने वाले जगह जगह पे, हर डोर पे, क्लियर। आगे बढ़ते, ऐसा क्या मानेगा नेक्स्ट, एक्जोडस, सिंपल है ये, कलवा क्लास में आ चुका है भाई, स्वागत करो उस बच्चे का, नहीं मैं बात नहीं कर रहा, लड़की कैसी बातें कर रहे हैं क्लास में ये
चलो इसका आंसर क्या बनेगा, एक्सोडस। क्या ट्रिक बने इसकी, एक्सोडस मतलब 110, और एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर जाना। 110 लोग कहां चले गए, बाहर, मतलब क्या होता है, पलायन करना। तो जब क्या कोविड आई होती, तो कोविड में क्या हुआ था, काफी लोग भाई साहब अपने बिहार यूपी चले गए थे देश, मतलब अपना जगह छोड़ के। तो क्या होता है, पलायन करना। 110 मतलब क्या होता है, पलायन करना होता है। एंड सम इसका आंसर क्या बनेगा, अराइवल, पहुंचना, इसको उल्टा बनेगा भाई। और भाई एंडेमिक तो अलग होता है, यू इसका ये बनेगा डिपार्चर करना, बोलो है ना, इसका भी आंसर है ना, ये आंसर इसका अराइवल होता है। अराइवल कैसे बनेगा इसका, सर आप स्मार्ट लग रहे हो भाई, सब ठीक है। हाँ ठीक है, ज्योति क्या हाल चाल तेरे, मैं फ्रेंड कहा तन्नू नहीं है क्या, तन्नू क्या नाम, तन्नू एडमिन। तो देखो ये क्या होता है एंडेमिक, ये देख लो भाई, तीन बार लाइफ एग्जाम में आएगा आपकी। तो अभी हमने क्या फेस की थी, पेंडेमिक। तो पेंडेमिक का मतलब क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, वर्ल्ड वाइड है भाई, जो पूरे वर्ल्ड में फैले वो क्या होता है, पेंडेमिक होता है। सर आपके बारे में मैं जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ भाई, सब तू मेरा पुराना स्टूडेंट है, मेरा भाई है तू। देखो पेंडेमिक क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में फैले। कोविड हमारा क्या था, कोविड आपका, कोरोना क्या था, पेंडेमिक था हमारा। ओके सर आगे बढ़ते हैं भाई। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी एक जगह पे फैले बुरी तरह से। जैसे मान लो किसी चाइना में फैल गया, तो सबसे पहले चाइना में आया कोविड आपका, चाइना में कोविड फैला, सिर्फ चाइना में था वो, क्या उस टाइम पे क्या था वो, एपिडेमिक। वही फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया, वो हमारा क्या बन गया, पेंडेमिक बन गया। तो पहले क्या होता है बच्चा आपका, एपिडेमिक होता है, फिर हमारा क्या होता है, पेंडेमिक होता है, समझ गए। और एक होता है हमारा एंडेमिक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो कुछ कुछ जगह फैली हुई है, हल्की हल्की सी, मतलब टेंशन की बात यहाँ पे है नहीं, ठीक हो जाएगी भाई, ये थोड़ी है, थोड़ा वाला क्या जो एंड हो सकती है, एंडेमिक मतलब खत्म होने वाली भाई। एपिडेमिक क्या होता है, एक जगह फैल चुके दबा के, और ये हमारा क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में फैली। तो कोविड क्या था, पूरे वर्ल्ड में फैला था बुरी तरह से, समझ गए, स्प्रेड फास्ट, बोलो हाँ ना। आगे बताओ भाई क्या आंसर बनेगा इसका, मनीष क्या हाल है भाई इसका बताओ, ये तो आसान है। अगर टाइम से नहीं पढ़ाई करी, स्मार्टली नहीं पढ़ी, तो आपको लाइफ में ये काम करना पड़ेगा, क्या काम बताओ, ये बताओ। अगर टाइम से नहीं पढ़े, ढंग से नहीं पढ़े, स्मार्टली नहीं पढ़े, तो आपको लाइफ में ये काम करना पड़ेगा, रिग्रेट करना, रिमोर्स करना, पश्चाताप करना भाई, अपनी टोन को सुधारो। अगर आपने नहीं होता, तुम मान लो कोई बंदा हरियाणा, क्या बोलते हैं भाई, अपनी आवाज ठीक है, बड़ा रूड बोलते हो, अपने टोन को ठीक करो, वरना आपको पछताना पड़ेगा। लड़कियां बातें नहीं करेंगी आप, सबसे लड़के डर जाएंगे। तो टोन हमारी क्या होनी चाहिए, मीठी मीठी बातें करो, मतलब सॉफ्ट होनी चाहिए हमारी, कॉन्ट्राइट। अगर तुम्हारे पास ढंग का क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी कंपनी में काम किया, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो आपको पछताना पड़ेगा भाई। बिना कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करना। टेंट में क्या घुस जाए, पानी, टेंट में पानी घुस गया मेरे भाई, तो टेंट वाले को पछताना पड़ेगा, बोलो हाय ना। नेक्स्ट रुई फूल, वो लड़की पूरी रात मेरी याद में रोई, क्यों रोई, अब वो पछता रही है कि वो ही सही था मास्टर, है कि नहीं। मैं गुड़गांव से हूं, ठीक है, क्लियर। तो पूरी रात रोई क्यों, अब वो पछता रही है कि शादी मैंने गलत बंदे से कर ली, वो पहले वाला मेरा कल हुआ सही था, है कि नहीं। लामेंट, रिपेंट, रिग्रेट, रिमोर्स, इन सब का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। एग्जाम में क्यों आया, सर लाइफ का वर्ड है, हम भाई लाइफ में पछताते हैं, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो ना करता, कैसा वर्ड है पश्चाताप हमारा, ऐसे वर्ड है भाई, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट रजनीश कुमार क्या हाल भाई इसका, तो क्या बन गया, ई एस सी एच ई डब्ल्यू, ई वाले, हमने ए से लेके डी तक सारे वर्ड कर लिए, आज हम करेंगे ई वाले, सारे खत्म करेंगे, ई वाले वर्ड क्या बनेंगे, और इनसे बाहर कोई वर्ड बनता ही नहीं भाई, बनेगा ही नहीं, बात ही खत्म हमारी, कोई चांस ही नहीं है, असली माल है ये, कड़क। चलो राहुल डी एस का आंसर, देखो च्यू मतलब क्या होता है, चबाना, चिंगम, तो चिंगम चंगम चबाना तो कैसी बात है, अरे चिंगम चबाना कैसी बात है, हमें ऐसे तुम्हें बेहतर नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें चिंगम को भाई साहब अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं चबानी चाहिए, समझ गए, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, आसान तो कितना आसान है,
कितना बेकार वर्ड, कितना आसान भाई। हमें चुंगम, हमें चू चू नहीं करना चाहिए, किसकी तरह, भैंस की तरह। अवॉइड करो बातों को, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज, क्या था, अनोरमस, ह्यूज, बहुत बड़ा, कौन है भाई, बहुत बड़ा बच्चा हमारा, क्या होता है, कोलोसल, सी ओ एल ओ डबल एस ए एल, अनोरमस, क्या होता है, सब बहुत बड़े होते हैं हमारे, टावरिंग है कि नहीं, क्या होता है, विशाल, बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट का मतलब तो पता है आपको, अडेप्ट होना। नेक्स्ट, इसमें क्या बनेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बफेलो बड़ी होती है, हाँ, इसमें क्या बनेगा, मैमोथ का, गुड, दिखता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट इज, सिंपल से, डाइट, अच्छी डाइट लो भाई, जैसा खाना खाओगे वैसा आपकी क्या होती है, हेल्थ होती है, वैसा माइंड होता है, अच्छा खाओगे आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, है कि नहीं। चिकन खाओगे भाई आपका दिमाग क्या हो जाएगा, वॉयलेंट, साफ खाओगे, स्वच्छ खाओगे, शाकाहारी खाओगे, आपका माइंड भी क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, बोलो हाँ ना। तो जैसा खाना वैसा हमारा दिमाग, तो अच्छी डाइट रहेगी ना, तो बंदा क्या हो जाएगा, समझदार, बुद्धिमान, स्कॉलर, सगासी, इसका मतलब क्या बनेगा हमारा, इसका ये वाला बनेगा, वाइज, सगासी, हरा हरा साग खाओ भाई, जितना साग खाओगे हरा हरा, आपका दिमाग बढ़ेगा। देखो सारे वर्ड हम ट्रिक से पढ़ रहे, ताकि बंदा भूलना, तो वो क्या में दिक्कत क्या होती है, भूल जाता, हम कैसे पढ़ेंगे कि भूल ना पाए, भूलना भूल, कि तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है, तुम्हारा ट्रू लव तुम्हारा, ये इसको भुलाना आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ये क्या होता है, अज्ञानी, ये नहीं, बाबा जी बोलते अज्ञानी बाल, तुझे क्या पता बाबा जी क्या हो, तो अज्ञानी है, तुझे पता ही नहीं दुनिया के बारे में। नेक्स्ट आता हमारा केडी, सोनम, चलो इसका बताओ क्या बनेगा भाई, ये लाइफ का वर्ड है, केसव पचोरी, इसका क्या बनेगा, अगर मेरी बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है तो भाई साहब थम्स अप कर दो फटाफट से, हरे कृष्णा बी आंसर है, ओके, ब्यूटीफुल, कमली, तो सिंपल बात है, तुम्हारी एक्स जब हमारे साथ होती है तो क्या लगता है, घर घर की मुर्गी दाल बराबर, बोले है कि नहीं, हमारे साथ हमें क्या लगता है भाई, कोई खास बात, लेकिन जब जाती है दूर हमसे तो पता लगता है यार वो बहुत ठीक थी, तो जब तो मतलब चीज़ हमारे पास है तो घर की मुर्गी दाल, हम लोग कोई चीज़ उसके वेलो में होती नहीं, जब आपकी लाइफ से जा चुकी है तब क्या लगती है कि यार वो बहुत सही थी ना, इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। साइट का मतलब क्या होता है, साइट एक होता है एस आई जी एस टी, एक होता है सी आई टी, एक होता हमारा एस आई टी, डिफरेंस है तीनों में। ये साइट क्या होता है, नजर, लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा प्यार हो गया भाई। ये साइट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, और ये साइट हमारा क्या होता है, कार या कंपनी आपकी, कोई जहाँ कुछ काम चल रहा है वो, कोई प्लेस आपका, ठीक है, हाँ, वर्किंग प्लेस होता हमारा ये, तो इसका मतलब क्या बनेगा, आपकी एक्स क्या थी भाई साहब, बहुत क्या थी, ब्यूटीफुल थी, कमली, मतलब कटरीना कैफ की तरह, वेरी ब्यूटीफुल, बोलो आंसर है कि नहीं है, समझ गए, आगे बढ़े, रफ नहीं बनेगा, फेज नहीं बनेगा, ये तो है कुछ नहीं, चलो आसान है। न्यूई, सुना आपने हिंदी में न्यूई, इन्यूई, हाँ, साइट, लव एट फर्स्ट साइट, होता नहीं होता, तुम्हारा क्या मानना है, होता प्यार पहली बार देखते किसी को, ऐसा पॉसिबल, तुम बड़े ज्ञानी हो, मुझे पता है बड़े तुम ज्ञानी हो, तुम सब कुछ पता होगा, कैसे होता है, कब कब नहीं होता है, अरे होता नहीं होता मेरे भाई। डी, ऑल ऑफ देम, मैंने इसका बोरिंग, ठीक है, बिना देखो जाता नाम देख के सही है, नाम लिख लो स्वीटी, प्यार हो गया इस नाम से ही, है कि नहीं, तूने सही बात, जरूरत देखने जरूरत है ही नहीं भाई साहब, ये प्यार नहीं होता, ये तुम्हारी वो है, तुम्हारा कमीनापन होता ही है, ठीक है, तो कहाँ से सिस्टम कहानी क्या तुम्हारी, तो मोनो, मोनो मतलब क्या होता है आपका, एक टोन, क्या धुन, जब एक धुन बजेगी बार बार तो बंदा उसे बोर हो जाएगा, दैट इज बोरिंग, बोलो हाँ या ना, ट्रिक क्या बनी, एक धुन बजेगी बार बार तो बंदा उससे क्या हो जाएगा, बोर होना भाई साहब, मंडेन, अब मंडे का दिन भी क्या होता है, बोरिंग होता है, सबको संडे चाहिए, बोरिंग होना। जून का महीना गर्म होता है, जून के महीने में जीना लगे, बंदा बोरिंग है भाई, खत्म कहानी, बोर्डम, बोरिंग है,
न्यू ही, मतलब लाइफ कैसी भाई, न्यू ही है लाइफ में, कुछ है नहीं, न्यू ही लाइफ, मतलब किसी काम की, मतलब बकवास लाइफ है, लाइफ बड़ी बोरिंग, इसका बनेगा बोरिंग, खत्म, आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रोवर्ट से क्या बनेगा? ठीक है ठीक है ठीक है राहुल, अरे बात करेंगी, तुम रुको जरा, सब कुछ काम हो जाए तुम्हारा, कीप पेशेंस। क्या आंसर बनेगा इसका भाई साहब? लड़की बात ना करो तुम्हारी अच्छी बात है, तुम्हारा टाइम बच रहा है, तुम्हारा दिमाग सही काम करेगा, लड़की बात कर ले तुम्हें नींद नहीं आएंगे 4-5 महीने, तुम पगला जाओगे, ठीक है? तो अच्छी बात है, तुमसे लड़कियां दूर है, तू भाई साहब बचाओ अभी, खुशकिस्मत है तू। चलो आंसर क्या बनेगा इसका? डी बनेगा। देखो सुना आपने, ये पैसे मांगते हो, किसी बंदे किडनैप कर लिया, उठा लिया, नहीं बोलते एक्सटोर्शन मनी, एक्सटोर्शन मनी होता है आपका एक वर्ड, फिल्म में आता है, फिरौती, क्या होता है फिरौती मांगना, मतलब छोड़ने के पैसे चाहिए भाई मैं, तो इसके रेंसम का मतलब क्या होता है फिरौती, ये आंसर बनेगा फिरौती, यूपी में काफी होता है ये, समझ गए? तो लाइफ के वर्ड है, फिल्म में आते हैं, न्यूज में आते हैं, तुम ऐसे काम कर लो तुम्हारी जो भी मिली, उठाओ किसी को और क्या मांगो उससे, फिरौती, ये 5 लाख रुपए चाहिए ले जाओ भाई, समझ गए? बैग नहीं बनेगा, एक्सटर्नल ये नहीं इसका, ये सब बार वाले ये नहीं बनेंगे इसके, ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या? चलो 1, 2, 3 स्ट्रेंज। ठीक, अरे मेरे बावले भाई, ये क्या होता है स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब, और ये ई वाला क्या होता है? अब अजनबियों से क्या रहो भाई, दूर रहो, अजनबियों से दूर रहो मेरे बच्चे, बोलो हाँ है ना, जिन्हें जानते हैं उनसे बातें मत क्या करो ज्यादा, तो क्या होता है छोड़ देना, दूर होना, अजीब होना, अलग हो जाना, मैं बोले तो सेपरेट, तू अजनबी है हम साथ नहीं, हम तुम क्या रहे, हम अलग अलग रहेंगे, बन गया हमारा आंसर। ये क्या होता आपका लाइफ पार्टनर होता बच्चे, ये साथ देना, फीसी मतलब क्या होता, यू आर समथिंग फीसी, कौन बताएगा? FISHY, फास्ट, क्या होता है फीसी, समथिंग इज फीसी, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो क्या है मतलब, नहीं तो कुछ तो मतलब, इसका मतलब क्या होता हमारा, स्मेल ए रैट, चूहे को सूंघना, कुछ तो क्या है गड़बड़ है, बोलो हाँ है ना, बन गया, कुछ तो क्या है गड़बड़ है, ठीक। नेक्स्ट, डाउटफुल है, यस। एक्सटोल अभी क्या था, हमने तो खत्म करो अभी, क्या भाई आसान एक्सटोल तो, हाँ बट क्या होता है एक्सटोल, कौन बताएगा एक्सटोल? क्या होता है एक्सटोल? अब जिसकी हाइट क्या है, लंबी है, एक्स्ट्रा टोल है, लड़की 6 फिट की है भाई, पूरे गांव में रुक्का पाट गया, बहू बंदे की 6 फिट की है ये फलाने की, तो पूरा गांव देखने जा रहा हूँ, तो भाई ये बहू कहाँ से इतनी लंबी बहू, तारीफ करना, ग्लोरीफाई करना, कुडोस करना, क्लेम करना, सबका मतलब क्या होता, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, जिसके पास ओडी है तारीफ करेंगे, तुम्हें मिले क्लेम मिल गया तुम्हें, तारीफ करो भाई, किसी को दोष क्यों देना, सबके बारे में अच्छी अच्छी बात, किसी को हमें दोस्त नहीं देना चाहिए, एडमायर करना, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना, समझ गए, प्लोडिट करना, प्लोड करना, अपलोड करना, खत्म भाई साहब, सबका मतलब क्या होता है इनका, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या बनेगा बताओ? एक्सपंज। आपने खाया कभी स्पंज रसगुल्ले? स्पंज, स्पंज, अरे इनका पूरा निचोड़ते हैं रस फिर खाते हैं, कुछ तो रस को चाशनी होती, रस तो नहीं चाशनी होती, वो खाए। चलो भाई क्या आएगा इसका, क्या आएगा? इसका मतलब क्या होता है? डिलीट करना। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? हटा दो। ये है, ये आगे कैसी दारू वाली, ये दारू वाली मेरे भाई, वीड मतलब क्या होता है? चरस, गांजे वाली है, ये मोहब्बत वाले आंखें हैं,
और ये तुम्हारी तरह ढक्कन खाली आ गई, इनमें कुछ नहीं भाई, मतलब सिर्फ क्या है, कमीनापन है। तो ये क्या होता है, डिलीट, खाली, कुछ नहीं होना, समझ गए। ये हमारा क्या होता है, मेहनती बंदा, ये बनाना, और ये क्या होता है, लाजवाब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बेमिसाल, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ई फेस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ई फेस, फास्ट बताओ। राहुल के पास बड़ा ज्ञान है भाई, बंदे के पास दूर से देखा तो ये मिला, खाली सिस्टम पूरा। चलो देखो क्या होता है, तो लड़की को ई मेरा फेस, अगर किसी लड़की की क्या हो जाए, चेहरे पे भाई साहब पिंपल्स आ जाए, बोलती ई मेरे फेस पे क्या हो गया, नहीं बोलते ऐसे, ये मतलब लड़की काफी क्या होती है, मतलब काफी ध्यान देती है अपने चेहरे को लेके कि क्या दिख रही हो, मैं कैसे दिख रही हूँ, है कि नहीं, मेरे फेस पे क्या हो गया, ये पिंपल्स कैसे आ गया। मान लो किसी की लड़की है चेहरे पे पिंपल्स आ जाए, क्या करती, फटाफट उसको इरेज करना है, हटाना है, गायब करना, बोलो हाँ ना, ये तो है ही भाई, हमारा कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन जिस किसी चेहरे पे क्या पिंपल है, क्या सोचती है वो, कि उसको इरेज किया, उसको हटाया जाए, रिमूव किया जाए, इसका मतलब क्या होता है, इरेज करना, इसका ए आंसर बनेगा। अगर किसी के चेहरे पे क्या आ जाए, पिंपल्स, तो क्या सोचती हो, हटाओ इसको, इरेज करना, में बोलो हाँ ना। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, टेप, टेप लिया तूने मेरा, टेपम टेप, ये क्या होता है, कॉपी करना, नकल करना भाई, क्या करना, नकल करना, समझ गए। अब दो चार एक्ट्रेस ने पहले किए थे बाल, ब्राउन बाल है ना, बुरे बाल, उसके बाद भाई साहब पूरे दुनिया लड़के ने कैसे बाल कर लिए, ब्राउन बाल, बोलो हाँ ना, ठीक है तेरे पास, बढ़िया मेरे भाई, कॉपी इसका ये बनेगा ए आंसर, डी नहीं बनेगा इसका आंसर भाई, डी वाले गलत है मेरे बच्चे। नेक्स्ट, एग्जोनरेट, बताओ, आसान है पर इंपॉर्टेंट है। भाई कनिष्क का सब बात, लड़के बड़ी कमाल है, वेरी इंटेलिजेंट, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं भाई, ये तो हमारे थोड़ी ना है। इसका आंसर क्या है, रिधि का है, रिधि भाई क्लास से, स्नेहा और कौन थी वो, अनुपम है, अच्छा कल्पना, शिवानी हडाला। चलो देखो, तो एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर करना, बरी करना, छोड़ देना, नॉट गिल्टी, मतलब इसका बनेगा हमारा, इसका बनेगा भाई क्विट, क्विट करना, छोड़ देना, क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना होता है, बरी करना, छोड़ देना, इसका आंसर ए बनेगा हमारा। ब्लेम का बनेगा इसका अपोजिट, ये बनेगा नहीं इसके, बोलो हाँ ना, ठीक है। और ये तीन होते हैं भाई, कोई नहीं भाई, पढ़ते रहो, आपका हो जाएगा 0.5, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो यही, ये हर एग्जाम में आते हैं घुमा फिरा के, ठीक है, मजा की बात है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आते हैं घुमा फिरा के, यही पूछते बार बार, इनसे बाहर कुछ बनेगा नहीं, ये पढ़ लो, लगातार पढ़ लो, हर दिन पढ़ो, टच में रहो, आपकी बात बन जाए, ठीक है, ओके कल अपना। ये तीन होते हैं, क्या होता है ये वाला, ये चुप होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा चुप और छोड़ देना, क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, इसका बताओ। चलो आप मारी लग गई भाई साहब, सेंचुरी लग गई हमारे ना, 50 लाइक, वाह भाई वाह, मतलब 50 बंदे मुझे पसंद करते हैं, इस क्लास को पसंद करते हैं, अच्छी बात है ना, फाइन कूल है, साक्षी भी है, ए आगे इसका, बोल देखो, इन्ना सोना तूने मुझे बनाया, सुना गाना अपना है ना, सॉन्ग एक, इतना सुथरा बनाया तूने, इन्ना सोना, देख क्या होता है, मतलब बाघ मतलब काफी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है भाई, प्यार आ रहा आपके अंदर से, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला, कोई बंदा कब फंसेगा, तो चीज क्या मिले आपको, अट्रैक्टिव मिले, बंदे कब फंसते हैं भाई, तो चीज क्या मिले, अट्रैक्टिव मिले, बंदे फंस, इसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत, प्यार आना किसी पे, इसका आंसर ए बनेगा हमारा। रिपेल इसका उल्टा बनेगा भाई, दे टेस्ट, बार बार टेस्ट दे आपसे, कि टेस्ट दो, टेस्ट मतलब आपको क्या हो जाएगी, अब वो मतलब हेट, लोथ, LOATH, क्या होना, नफरत होना बच्चे, बोलो हाँ ना। अरे ट्रिक है भाई, अब होर, अब मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, अपनी स्क्रीन मुझे मत दिखाओ, अब तुमसे मैं फेड अप हो चुका हूँ भाई, दूर रहो मुझसे, अरे मिस्टर हैंडसम, और क्या डिटेल, दे टेस्ट, हर बार टेस्ट लिया आपसे, उसकी क्या हो जाएगी, नफरत, आज का लास्ट, फिर करेंगे खत्म कहानी को। चलो इसका आंसर पता होगा, जान तो कौन है ये, नहीं जानते इनको,
वो कहा अंजलि, अंजलि कहा है? कहां पे अंजलि? अच्छा है, वाओ। ए अभी है ही नहीं भाई, एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, जो जा चुके हैं, ये बात गई भाई, जो बात गई नहीं सुना, जो दौर गया वो लौट के ना आएगा, इस दिल में तुम्हारे सिवा इस दुनिया में ये भाई दोबारा ना आएंगे, जा चुके हैं, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये बनेगा इसका आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट इसका बताओ, ये भी तुम बोलते हो इतने पैसे, क्या हाल है उज्जवल कौशिक, राम राम मेरे भाई, जय राम जी की सुना दे, क्या हाल चाल तेरे। आए तो पढ़ने थे एयरफोर्स का पेपर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा भाई, तू क्लास में लेट आए बच्चे मेरे, ठीक है, थोड़ा क्लास में लेट हो गया तू, टाइम से आ रहा 8 बजे। ए खर्चीला, ये क्या होता है, मतलब एग्जोबिनोट क्या होता है, नहीं इसका मतलब क्या होता है, प्राइस ज्यादा होना, ज्यादा महंगा होना, ऐसे मैंने बोला आप किसी खाने वाने पे गए, ठीक है, आप मूवी देखने गए, तो थिएटर में मेरे भाई कोल्ड कॉफी कितने की होती है, कि 400 की, एक कोल्ड कॉफी नहीं होती, कोल्ड कॉफी इतने की होती है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो बहुत महंगे यार, टिकट कितने की है 230, और ये कितने के मेरे भाई साहब 430, मतलब ये महंगे है, टिकट सस्ती है आपकी, तो चीज क्या है, ज्यादा महंगे है, रेट क्या होना, ज्यादा होना, इसका आंसर क्या बनेगा, इट इज ए एक्सेसिव, ए बनेगा भाई, फैंसी दिखावा करना होता है, लेविस खर्चीला होता है, और मोडस का मतलब क्या होता है, बीच का, न सस्ता न महंगा, इसका आंसर ए वाला बनेगा, ज्यादा महंगा होना। नेक्स्ट आज का लास्ट है, एनक्रोच का बताओ क्या बनेगा, कहानी खत्म करते हैं फिर हम लोग, जल्दी फास्ट, क्या है इसका, एनक्रोचमेंट, स्किटरी बनी कॉकरोच, एनक्रोच बोलो कॉकरोच, क्या कहते हैं कॉकरोच, पता नहीं पता, तभी तो मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस करो भाई, ऐसे हलवा नहीं है, जो वैसे नहीं मिलती, इंग्लिश बहुत टफ काम होता है आपका, लगातार पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पर डाउट मुझसे पूछो, तो अगर तुम्हें कोई डाउट हो ये नहीं है कैसे ना करो भाई, पहला सुन क्या, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो पहले बात, या फिर आप कमेंट कर दो भाई क्लास के नीचे खत्म होने बाद, सही इसमें डाउट है, ठीक है, आई एम विद देयर। चलो तो कॉकरोच क्या करते हो, घर में घुस जाते हैं, कॉकरोच मेरे भाई साहब घर में घुस जाते हैं जबरदस्ती, बोलो हाय ना जी, क्या होता है घुसपेट करना, बोले तो इंट्रूडर, घुसपेट या क्या होते हैं, ये घुसपेट ही हमारे, समझ गए, अब हमारा अब्जोर का मतलब क्या होता है, एनग्रोस कर लेना, ये क्या डिबाकल है, ये मैं कल का वर्ड है, हमने क्लास में होमवर्क दिया आपको ये, तो ये आपका कल की क्लास का आपका होमवर्क था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था, कुछ बच्चों ने दिया बाकी नहीं दिया भाई, बाकी क्यों देते, पढ़ते नहीं हो, जा साने जा स्मार्ट बनते हैं वो, हैं हाँ मेरे भाई, साथ दी भाई साहब, मैं पड़ोसी ना होने दो किसी की, मेरी छोड़ दो, डिबाकल तो क्या होता है, फेलियर, बहुत बड़ी असफलता, जैसे मैंने बोला नेपाल ने हरा दिया मंगोलिया को बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़ी असफलता उस देश से, क्या होता हमारा डिबाकल, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है मेरे भाई, हाँ ये वाला, इसका बताना आपको मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके, इसका मतलब क्या बनेगा, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और होमवर्क का मतलब क्या, जो बच्चे क्लास में है, हर एक बच्चे को इसका कमेंट में रिप्लाई करना है, किसका मतलब क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, बी बनेगा, सी या फिर डी बनेगा, ठीक है, ये आपका काम है भाई, होमवर्क करना सीखो, कुछ एफर्ट खुद भी लगाओ लाइफ में अपने, ठीक है, क्लियर, और डाउट है तो पूछो फटाफट से, कोई भी डाउट है मेरे भाई पूछ सकते हो, एनी डाउट यू कैन आस्क, नए हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबके लिए पुराना जैसा बंदा हूँ, ठीक है, नए हो पुराने हो सबके, आपके अपनी क्लास है, डेली पढ़ते रहो, तो लाइफ को अपने लिए अपने फैमिली लिए पढ़ो, खुद के लिए तो ईजी है, हम अपनी लाइफ जी लेंगे, अपनी फैमिली के लिए पढ़ो भाई, उनको लाइफ बेहतर दो अपने से, है कि नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, अपने होने वाले बच्चों के लिए पढ़िए, खुद की लाइफ तो हम वैसे निकाल लेंगे, ठीक है, अपने लिए पढ़ो, अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए पढ़ो, अपने देश के लिए पढ़ो,
अपने पूरे बड़ो गांव के लिए, ठीक है। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, अपना ख्याल रखिए। पढ़ते डाउट है तो कमेंट कर देना या भाई मैसेज दिए उस मैसेज कर देना आप लोग, और इसका मुझे आप कमेंट करके आंसर बता देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।